गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर फ्रॉम नेक्स्ट पेज 11th चैप्टर लॉस्ट इन अ शॉप. यस, स्टार्ट फ्रॉम हेयर पेज नंबर 128. यस, वी नो यू आर गोइंग टू बी 7 नेक्स्ट वीक, सैड अ वॉइस विच बॉब न्यू वेरी वेल. एक जानी पहचानी आवाज ने, जिस आवाज को बॉब जो है बड़े अच्छे से जानता था, तो किसी ने पीछे से कहा, यस वी नो यू आर गोइंग टू बी 7 नेक्स्ट वीक. हमें पता है कि नेक्स्ट वीक तुम 7 ईयर के ईयर में जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा. ही टर्न्ड अराउंड, उसने पीछे मुड़कर देखा, एंड सा हिज मदर स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, देखा कि उसकी मदर जो है उसके पीछे खड़ी है. वेयर हैव यू बीन, आप मतलब कहाँ थे, क्राइड बॉब. बॉब जो है चिल्लाकर कहता है कि आप कहाँ थे. वी वर गोइंग अ वेरी स्पेशल जॉब, हम जो है कोई एक स्पेशल जॉब मतलब कि बहुत ही जरूरी काम करने के लिए गए थे. सैड बॉब्स मदर, बॉब की मदर जो है उसको बताती है, आई एम सो सॉरी दैट यू गॉट वरीड, कि तुम्हें इतनी चिंता हो गई, इसके लिए मैं सॉरी जो है उसे माफी चाहती है कि मुझे माफ कर दो जो आपको इतना जो है हमने मतलब वरीड किया, टेंशन में मतलब चिंता में डाल दिया. वी वर ओनली इन अनदर पार्ट ऑफ द शॉप, हम जो है शॉप के दूसरे पार्ट में ही थे. वी हैड टोल्ड द लेडी एट द टिल टू कीप एन आई ऑन यू, हम जो है जो टिल के पास लेडी है, जो काउंटर पे लेडी है, हम उसको बोल कर गए थे कि वो आप पे नजर रखे, मतलब कि आपका ध्यान रखे. वट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे. मम आस्ट बॉब एज ही ड्राइड हिज आईज, उसने अपनी आंखों को साफ करते हुए मॉम से पूछा कि आप वहां जो है क्या कर रहे थे. यू विल फाइंड आउट ऑन योर बर्थडे माई लैड, लैड मीन्स चाइल्ड, मेरे बच्चे तुम्हें जो है ये सब जो है आपके बर्थडे पे ही जो है मिलेगा. सैड बॉब्स फादर Who had just reached there, जो अभी अभी वहां पहुंचे थे, उसके बॉब के फादर ने कहा कि ये तो सब आपको जो है अपने बर्थडे पे ही पता चलेगा कि हम वहां क्या कर रहे थे. बॉब फाउंड आउट हिज पेरेंट्स सीक्रेट वेन ही ओपन द बॉक्स ऑफ हिज पेरेंट्स ऑफ हिज प्रेजेंट द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते जब बॉब जो है अपने गिफ्ट्स को, प्रेजेंट्स मीन्स गिफ्ट को जो है ओपन करता है, तो अपने पेरेंट्स का जो है सीक्रेट उनको पता चलता है. दे हैड टोल्ड हिम लॉट्स ऑफ टाइम्स दे वर सॉरी टू हैव लेफ्ट हिम अलोन इन द टॉय शॉप, कि उन्होंने जो है दे हैड टोल्ड हिम लॉट्स ऑफ टाइम, उन्होंने जो है बॉब को कई बार मतलब उसके बारे में बोला. दे वर सॉरी टू हैव लेफ्ट हिम अलोन इन द टॉय शॉप, कि उन्होंने टॉय शॉप में उसको अकेला छोड़ दिया था, उसके लिए वो जो है माफी चाहते हैं. एंड वेन ही सा वट दे हैड बोट फॉर हिम, पर लेकिन जब उसने देखा कि उन्होंने उसके लिए क्या खरीदा था, ही वो सो हैप्पी, तो उसको बहुत ज्यादा खुशी हुई. मतलब जब उसको गिफ्ट मिल गया वो, और जब उसने उस गिफ्ट को खोला, तो उसको जो है बहुत ज्यादा खुशी फील हुई, वह बहुत ज्यादा खुश हो गया था उस गिफ्ट को देखकर. आई एम प्राउड ऑफ यू मम, आई एम प्राउड ऑफ यू डैड, बॉब केप्ट सेइंग द होल डे. आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे जो है आप पर गर्व है मम्मी. आई प्राउड ऑफ यू डैड, मुझे आप पे भी जो है गर्व है डैड. बॉब केप्ट सेइंग द होल डे, पूरा दिन बॉब जो है यही कहता रहा अपने बर्थडे के दिन. गिफ्ट रिसीव करने के बाद उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि कैसे जो है बॉब के पेरेंट्स ने उसको सीक्रेट जो है मतलब सरप्राइज दिया था. उसके बर्थडे का जो सरप्राइज गिफ्ट था वो क्या था, जो है टॉय ट्रेन, उसमें क्या था, टॉय ट्रेन थी. सो रीड दिस चैप्टर कंप्लीट विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो. नाउ वी विल रीड डिफिकल्ट वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट है जैसे डिफिकल्ट वर्ड डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट मीन्स जैसे अलग अलग पार्ट्स होते हैं किसी भी, एक लार्ज शॉप होती है और उसके अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया होता है. बोट खरीदना, स्टे ठहरना, सरप्राइज
कोई भी सरप्राइज जैसे कि हैरान करने वाला, फिनिश्ड अपना जो है वर्क फिनिश करना, शॉपिंग करना, पर ट्रंट मतलब मुड़ना, सेल्व्स जो अलमीरा होती है उसको बोलते हैं, अलग अलग उसके जो है सेल्व्स बने होते हैं, अवेफुल यानी फियरफुल, सडनली अचानक से, स्ट्रेंज अननोन पर्सन, रिप्लाइड आंसर देना, स्ट्रीमिंग मतलब लुढ़कना, उसके जो आंसू जो है उसके फेस से लुढ़क रहे थे, अफ्रेड डरा हुआ होना, ट्राउजर्स मीन्स शॉर्ट पैंट और सॉरी पैंट, वरीड चिंता करना, स्पेशल कुछ जो है समथिंग इम्पॉर्टेंट, होल पूरा, अलोन होल मीन्स कंप्लीट, अलोन अकेला, सीक्रेट कोई भी जो है सीक्रेट सरप्राइज होना, सरप्राइज कुछ ऐसा गिफ्ट वगैरह, तो सीक्रेट मीन्स कुछ गोपनीय होना। नेक्स्ट है वर्ड मीनिंग डिपार्टमेंट स्टोर। डिपार्टमेंट स्टोर मीन्स अ लार्ज शॉप। टिल मीन्स होता है ड्रॉअर इन विच मनी इज कैप्ट, यानी काउंटर पे जो भी मतलब पर्सन खड़ा होता है उसके पास ड्रॉअर होती है और वहां वो पैसे रखता है, लेन देन करता है। नोड मीन्स होता है एक्ट ऑफ मूविंग द हेड टू गिव द आंसर। जब हम कोई भी आंसर जो है बिना बोले अपना सर हिलाकर देते हैं तो उसको बोलते हैं नोड, एक्ट ऑफ मूविंग द हेड टू गिव द आंसर। कुडंट हेल्प, कुडंट प्रिवेंट और अवॉइड, कुडंट हेल्प मतलब कोई भी हेल्प ना कर पाना। क्रॉस एंग्री, कलेक्ट कम फॉर एंड टेक अवे, कलेक्ट मीन्स मतलब कि आना और उसको जो है मतलब ले जाना। तो यहाँ जैसे उसके पेरेंट्स कहते हैं बॉब के कि वी विल कलेक्ट यू, हम यहाँ आएंगे और तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। सो वो उसको बोलते हैं कि यहीं वेट करो जब तक हम वापस नहीं आते। तो बॉब जो है वहाँ पे थोड़ी देर रुकता है, पर उसके बाद वो जो है जब उसको वापस मतलब वहां से बोर हो जाता है तो वो वहां से फिर क्राई करना स्टार्ट कर देता है। तो कलेक्ट का मीनिंग होता है यहाँ पे इस चैप्टर में, कलेक्ट वैसे तो हम इकट्ठा करना होता है, पर कम फॉर एंड टेक अवे, आकर जो है किसी भी उसको जो है रिसीव करना, वहां से ले जाना। ओके बेटा, थैंक यू, रीड दिस चैप्टर कंप्लीट एंड राइट एंड लर्न वर्ड मीनिंग एंड डिफिकल्ट वर्ड्स। ओके बेटा, थैंक यू।